भाइयों और बहनों, कांग्रेस कैसे देश की रक्षा करने वालों को धोखा देती है वो भी आपको याद दिलाता हूं। कांग्रेस ने आपसे वादा किया था कि वो वन रैंक वन पेंशन लागू करेंगे। ये वादा करते करते उसने 40 साल निकाल दिए, 4 दशक निकाल दिए। जब देश के जवानों ने, उनके परिवारों ने दबाव बनाया तो 2013-14 में चुनाव के पहले पहले जो एक अंतरिम बजट आया, उस बजट में उन्होंने 500 करोड़ रुपया रखा, बजट में कागज पे लिखा और कह दिया। कांग्रेस ने चारों तरफ ढोल पीटने लगे, उनके नामदार पूर्व सैनिकों के सम्मेलन कर करके मालाएं पहनने लगे और कहने लगे हमने वन रैंक पेंशन वालों को लागू कर दिया, वन रैंक वन पेंशन लागू कर दिया। भाइयों बहनों, ये कितना बड़ा धोखा था। उन्होंने 500 करोड़ रुपया दिया, कितना झूठ बोलने की इनकी ताकत है, वो देश की जनता को कितना मूर्ख मानते हैं। और देश के जवान जो ईमानदारी से मां भारती के लिए मरना, यही उसको सिखाया गया है, आप उसके पीठ में छुरा फोंकते हो, आप उसके आंखों में धूल झोंकते हो। भाइयों बहनों, सिर्फ 500 करोड़ देकर के बातें करने वाले लोग, और वो भी कागज पे, बजट में से तो कहीं निकला नहीं, एक नया पैसा नहीं निकला। हम आए, हमने वादा किया था हम वन रैंक वन पेंशन लागू करेंगे। मैंने सारी फाइलें निकाली, कागज निकाले, मैंने कहा भाई 500 करोड़ रुपए हैं इस बार दे दीजिए। जब हिसाब किताब लगाया, वन रैंक वन पेंशन के लिए जब हमने लागू किया तो अब तक 35,000 करोड़ रुपया सेना के परिवारों में हमने पहुंचाया। कहां 500 करोड़ का झूठा वादा और कहां 35,000 करोड़ रुपये दे दिए, उनके खाते में जमा हो गए। ये कितना झूठ बोलते हैं। और देश की भोली भाली जनता ने इनके इस झूठ को सच मान करके आंखें बंद करके उनके थैले भर दिए, और उसी के कारण आज देश को रोने की नौबत आई है। भाइयों,